दिल अब कहाँ है जो दोबारा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ ताहिर वकास मुगल और आप देख रहे हैं YouTube चैनल मल्टी स्टोर। दोस्तों, नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ। आज हम सीखने वाले हैं इस तरह की खूबसूरत तरीके से इंस्टाग्राम के स्टेटस की एडिटिंग हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप सैंपल में देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत इफेक्ट के साथ एक स्टोरी टाइप मैंने स्टेटस बनाया है, तो आप भी इस तरह का स्टेटस बना सकते हैं बहुत आसानी से। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, स्किप नहीं करना है, ताकि आप आसानी से इस तरह की वीडियो बना सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो टाइमली मिलती रहे। तो चलें दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जी दोस्तों, आपने कान मास्टर पर आ जाना है। कान मास्टर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास नहीं है, विदाउट वाटर मार्क वाला ओपन करना है, इस तरह का इंटरफेस शो होगा। और कुछ PNG फाइल्स आपको चाहिए होंगी इस वीडियो को बनाने के लिए, तो वो आपने पहले से डाउनलोड कर लेनी है, ताकि आपको बाद में वीडियो बनाते हुए परेशानी ना हो। प्लस आइकॉन पर क्लिक करना है, 1.1 वाली रेजोल्यूशन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमें स्टेटस के लिए ये वाली रेजोल्यूशन चाहिए। तो उसके बाद हमने यहाँ से एक पिक्चर ऐड करनी है, जिस पिक्चर के ऊपर आपने अपना इस तरह का व्हाट्सएप स्टेटस या इंस्टाग्राम स्टोरी बनानी है। तो मैं यहाँ से ये पिक्चर ऐड कर लेता हूँ, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों, इसे खींच के इतना लंबा कर लेंगे जितना आपको स्टेटस चाहिए, ओके कर देंगे। मेरे पास ये सैंपल पिक्चर है, आपने अपनी पिक्चर ऐड करनी है। यहाँ से पैन एंड जूम पर क्लिक करना है, इक्वल पर क्लिक करना है, और इस पिक्चर को यहाँ पर बिल्कुल पूरी स्क्रीन के ऊपर ऐसे सेट कर देना है, ताकि हमें अच्छे से मिल जाए, ओके कर देंगे। यहाँ पर सेट करने के बाद ओके करेंगे और इधर से सिलेक्ट करेंगे, नीचे आ जाएंगे, हमें वेंटेज विग्निटी इस तरह का कोई ऑप्शन है, इसको ऑन कर लेंगे, ओके कर देंगे। लेयर पर क्लिक करेंगे, एफएक्स इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ये वाला इफेक्ट हमने इसके ऊपर लगा देना है पूरी स्क्रीन के ऊपर ऐसे, और इसे खींच कर बिल्कुल एंड तक ले जाना है, ओके कर देंगे। इसके बाद लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे, आपने इसी पिक्चर को दोबारा ऐड करना है यहाँ पर, ताकि हम इसके ऊपर इफेक्ट लगा सकें। इस तरह दोस्तों, इस पिक्चर को हमने यहाँ पर ऐड कर देना है, थोड़ा छोटा कर लेंगे इसको ऐसे, और इसको ओके कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करने के बाद एक फ़ाइल आपने यहाँ पर ऐड करनी है, ये वाली जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, इसको यहाँ पर हम ऐसे सेट करेंगे अपने हिसाब से। यहाँ पर सेट करने के बाद दोस्तों, इसको हम करेंगे नीचे आ जाएंगे, नीचे का हमें ऑप्शन मिल जाता है ब्लेंडिंग का, और इसको हम कर देंगे स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, हमने जो पीछे पिक्चर ऐड की थी, उसको इसके दरमियान में ऐसे बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे, ताकि हमें अच्छे से इफेक्ट करती हुई मिल जाए। सेंटर में आपने बिल्कुल एहतियात के साथ सेट करना है ऐसे, और अगर आपको ये पिक्चर बड़ी लग रही है, तो नीचे और क्रॉपिंग का ऑप्शन मौजूद है, थोड़ी सी क्रॉप कर लेंगे इसको ऐसे, और यहाँ से भी इसको थोड़ा क्रॉप कर लेंगे ऐसे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं पिक्चर इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। उसके बाद दोस्तों, आपने इसी पिक्चर को दोबारा सेलेक्ट करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है, और यहाँ से डुप्लीकेट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, और इसका डुप्लीकेट उठाकर साइड पर कर लेना है ऐसे। नीचे हमें क्रॉपिंग का ऑप्शन मिल जाता है, क्रॉपिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, क्रॉपिंग को ऑन करेंगे, शेप्स पर क्लिक करेंगे, और सर्कल वाली इसको शेप दे देनी है ऐसे, और इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों, इसी को सिलेक्ट करना है, इसको थोड़ा छोटा कर लेना है यहाँ पर ऐसे, और इसे हमने बहुत एहतियात के साथ यहाँ पर ऐसे सेट करना है, ताकि इसको 3 डॉट पर क्लिक करना है, और इसके हमने कर लेना है ब्रिंग टू फ्रंट। उसके बाद यहाँ पर बहुत एहतियात के साथ सेट करना है। जी दोस्तों, इसको आपने पिक्चर को DP के हिसाब से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद लेयर पर क्लिक करना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने अपनी इंस्टाग्राम ID का नेम पुट कर लेना है। मैं जस्ट फर्जी नेम पुट कर देता हूँ, स्वीट गर्ल। आपने अपनी ID का नेम पुट करना है ऐसे, और इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेना है, डबल A पर क्लिक करना है। बहुत सारे फ़ॉन्ट आपको मिल जाते हैं ऐसे, ये वाला इसको लगा देते हैं यहाँ पर, और इसे ओके कर देंगे। मैं जस्ट आपको सिखाने के लिए ये लगा रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा बारीकी का काम है, आपने देख के करना है बिल्कुल। इसके बाद इसको कलर चेंज कर देंगे ब्लैक, और ओके कर देंगे। देखें दोस्तों, ओके, यहाँ पर ऐसे सेट कर लेने के बाद आपने लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है, और एक स्क्रीनशॉट आपने यहाँ पर ऐड करना है, जो आपको पहले दे दिया गया है। अगर आप अपना खुद से लेकर लगाना चाहें, तो वो भी लगा सकते हैं, ये वाला टाइम वाला। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, क्रॉपिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और हमने सिर्फ टाइम वाला जो इसका पार्ट है, उसको यहाँ पर ऐड कर लेना है ऐसे।
और इसको यहाँ पर सेट करना है, थोड़ा छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद इसको हम यहाँ पर ऐसे सेट कर लेंगे बिल्कुल स्टोरी के साथ, बड़ा कर लेंगे ऐसे थोड़ा सा। बिल्कुल एडजस्ट करने के बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाता है ब्लेंडिंग का, और इसको हम स्क्रीन कर देंगे ऐसे। स्क्रीन पर करने के बाद ओके कर देंगे। इसी तरह दोबारा लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और इसी वाली स्क्रीन शॉट को दोबारा ऐड करेंगे यहाँ पर ऐसे, सॉरी लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और इसी स्क्रीन शॉट को हम दोबारा ऐड करेंगे यहाँ पर ऐसे, और इसको क्रॉप कर लेंगे हम, इसका ऊपर वाला हिस्सा ले लेंगे ऐसे, ये वाला ओके कर देंगे। इसी को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमने यहाँ पर नीचे आ जाना है ब्लेंडिंग कर, और इसको भी हमने स्क्रीन का ऑप्शन दे देना है और इसको खींच के थोड़ा बड़ा कर देना है ताकि ये हमें अच्छा सा इसके ऊपर सेट हो जाए जैसे हमारे मोबाइल की स्क्रीन होती है। ये देखें दोस्तों बिल्कुल ओके सेट कर देंगे। इसके बाद लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और एक आपने यहाँ से वीडियो ऐड करनी है जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, इस वाली वीडियो को आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है ऐसे। यहाँ से इक्वल करना है, स्किल स्क्रीन पर क्लिक करके ओके कर देना है और इस वीडियो को नीचे आ जाना है, हमें ऑप्शन मिल जाता है ब्लेंडिंग का और इसे हम स्क्रीन का ऑप्शन दे देंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ से अपना म्यूज़िक ऐड करना है, स्टेटस हमारा कंप्लीट है। आपने यहाँ पर ऑडियो पर क्लिक करना है और जहाँ पर जी दोस्तों आप यहाँ से कोई भी सॉन्ग आप ऐड कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए यहाँ पर कुछ सॉन्ग ऐड कर लेता हूँ। ये देखो दोस्तों मैंने यहाँ पर सॉन्ग ऐड कर लिया है। इसके बाद दोस्तों आपने इसको इतना कर लेना है जितना आपको आपके पास सॉन्ग है, बाकी सारा स्टेटस हमने यहाँ से ख़त्म कर देना है। यहाँ से ओके करेंगे, सीजर पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड ओके कर देंगे। बाकी ऑप्शन आप रहने देंगे कि बस हमें इतना ही चाहिए। मैं आपको लास्ट बार प्ले करके दिखा देता हूँ कि हमारी वीडियो कैसी लग रही है। दिल अब कहाँ है जो दोबारा। ये देखिए दोस्तों वीडियो हमारी बहुत खूबसूरत लग रही है और आप इस तरह की वीडियो बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत प्यारी स्टोरी हमने क्रिएट कर ली है। तो इसके बाद हमें कॉर्नर में ऑप्शन मिल जाता है एक्सपोर्ट का। इसको 1080 पर रखने के बाद, इसका रेट फुल रखने के बाद इसे 1080 पर हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो पहुंचती है शाम को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।